तो ये वो स्कूटर है जिसकी वजह से लोग स्कूटर को स्कूटी बोलते हैं, और काफ़ी टाइम से ये मार्केट में है और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मार्केट में आएगी, लेकिन TVS ने इसका BS6 कंप्लायंट इंजन निकाल दिया है और ये अभी ETFI टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है, तो इसकी वजह से जो माइलेज है काफ़ी अच्छा होगा। स्कूटी पेप प्लस की प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है ₹52,700 और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 66,700 के करीब है। तो ये जो स्कूटी है ये पुणे के शोरूम में अवेलेबल है, तो अगर आप ये स्कूटी में इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के जो एड्रेस है उस पर जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लाइट्स में तो कुछ चेंजेस नहीं है, इसमें जो हेलोजन ही मिलता है आगे की तरफ और नीचे आपको LED DRL मिलता है। तो ये तब चलेगा जब इंजन ऑफ रहेगा और आपने जस्ट इग्निशन को ऑन किया है, जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट कर देंगे तो ये जो लाइट है ये चलने लग जाएगी मेन हेडलैम्प, और जो ये नीचे का DRL है ये बंद हो जाएगा। बाकी इसमें जो इंडिकेटर्स है वो हेलोजन ही है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चोक हुआ करता था पहले, लेकिन अभी ये फ्यूल इंजेक्टेड हो गया तो ये चोक हट गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट पैनल में देखेंगे तो आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फिर यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, ये है फ्यूल लेवल मीटर, और यहाँ पे आपको मैल फंक्शन का सिंबल मिल जाता है जो कि सिर्फ BS6 कंप्लायंट स्कूटर्स में होता है, और ये है इकोनॉमी मोड, इसमें पावर मोड का ऑप्शन नहीं है। बाकी इसका ये रेगुलर स्विच पैनल्स हैं। स्कूटर में जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है, इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता। तो जो ड्रम ब्रेक है उसका साइज़ है 110mm का, तो इसमें ज़्यादा पावरफुल ब्रेकिंग नहीं मिलेगी और वैसा चाहिए भी नहीं क्योंकि ये बेसिकली 87.8cc की गाड़ी है, तो ज़्यादा इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो चलिए चलाते हैं स्कूटर को और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमी का इंडिकेशन आ गया है, तो काफ़ी लाइट वेट स्कूटर है ये, जिसकी वजह से इसको मैनूवर करना और इसकी जो हैंडलिंग है काफ़ी इजी है। और इसमें जो ब्रेक्स मिलते हैं वो ड्रम ब्रेक ही हैं, लेकिन इसका जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छा है, एक बार मैं आपको ज़रा ब्रेकिंग दिखाता हूँ। तो डिसेंट ब्रेकिंग है और डिस्क ब्रेक तो है नहीं इसमें, बाकी ओवरऑल स्कूटर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है और कंफर्ट लेवल ओके है। आप नीचे का जो लेग स्पेस देखेंगे तो वो भी काफ़ी डिसेंट है, और मेरी हाइट वैसे 5'10" के करीब है, लेकिन जो ये है मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अगर आपकी हाइट 5'10" 5'11" है तो काफ़ी अच्छे से आप इस स्कूटर को चला सकते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आपकी हाइट 5'2" 5'3" भी है तो भी आप इस स्कूटर को आराम से चला सकते हैं अच्छे से। बाकी परफॉर्मेंस तो डिसेंट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमी मोड दिखता है, तो 30-40 में आपको इकोनॉमी मोड दिखेगा, और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो इकोनॉमी मोड बंद हो जाता है। अगर आप इसके नॉर्मल स्पीड में चलते हैं जो कि है 40-60 किलोमीटर पर आवर, तो काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाएगा इसमें आपको, अराउंड 65-70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो आपको आराम से मिल जाएगा। बाकी टॉप स्पीड मेरे ख्याल से इसमें 65-70 किलोमीटर पर आवर की तो आराम से मिल जाएगी, हालांकि स्कूटर को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए कभी भी, लेकिन इस स्कूटर की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, और मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 60-65 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में भी चलेंगे तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी स्पीड चले जाती है, 60 के करीब चली गई है। तो 65-70 तो आराम से पहुंच जाती है। तो ओवरऑल
जो इसका परफॉर्मेंस है मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स है वो भी बढ़ गए हैं। तो 0.36 bhp से इसका पावर बढ़ गया है और 0.5 न्यूटन मीटर से इसका टॉर्क बढ़ा है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो इस स्कूटर का काफ़ी अच्छा हो गया है। और हैंडलिंग, इवन दो इसके टायर पतले हैं, छोटे हैं, लेकिन फिर भी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। और इसकी जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, एकदम ऑप्टिमम है। तो इसमें जो सीट हाइट मिलती है वो 760 mm की है, जो कि बेस्ट है, ना तो ज़्यादा है ना तो कम है। तो ऑप्टिमम सीट हाइट इस स्कूटर में मिलती है। तो यही सब TVS स्कूटी पेप प्लस PS6 मॉडल का एक टेस्ट राइड रिव्यू था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइस।